आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, आईएमएस जीएसटी पोर्टल पर आ गया है और हर अकाउंटेंट का काम बढ़ गया है। लेकिन इस बात को समझना, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत कम समय में हो जाएगा। पहले तो हम चलते हैं कि जीएसटी पोर्टल पर आईएमएस कहां पर आया है। तो चलिए, हमने जीएसटी पोर्टल को लॉगिन कर लिया और लॉगिन करने के बाद हम जाएंगे कहां पर, सर्विसेज पर जाएंगे। और सर्विसेज में अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा इनवॉइस मैनेजमेंट, ठीक है ना, सिस्टम। आप इस पर क्लिक कर देंगे तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहां पर इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर शुरू हो गया। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था कि दो तरीके से इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम है, एक है इनवर्ड सप्लाई का और दूसरा है आउटवर्ड सप्लाई का। तो अभी जो ये पोर्टल पर एक्टिव हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ इनवर्ड सप्लाई का हुआ है, आउटवर्ड सप्लाई का अभी शुरू नहीं हुआ। तो सर इनवर्ड सप्लाई में क्या डेटा आ गया, आंसर इज यस। अगर आप इस पर व्यू जाएंगे, व्यू पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि डेटा आ गया है। यहां पर एक वार्निंग आ रही है, वार्निंग को ध्यान से पढ़ लेना। उसमें लिखा हुआ है कि भाई जो भी डेटा आप अगर आईएमएस पोर्टल पे कुछ नहीं करोगे तो वो डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाएगा। तो हमने क्या करा, पोर्टल पर आ गए। पोर्टल पर आकर हमने क्या देखा, अक्टूबर महीने से, ध्यान रखना इस बात का, ये जो डेटा आएगा सितंबर महीने का नहीं आएगा। आज अक्टूबर में हो तो आपको अक्टूबर का डेटा दिखाई दे रहा है, कितने बिल दे रहे हैं, तीन इनवॉइसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। आप इन तीन इनवॉइसेस पे क्लिक करेंगे, तो आपको पता लगेगा कि ये तीनों इनवॉइसेस हमारे सप्लायर ने अक्टूबर में ही इशू करे और अक्टूबर में ही हमारे पास आ गए। अब अगर आप देखेंगे यहां पर एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग, तीन ऑप्शन आपको दिखा रहा है। आप चाहे तो तीनों को सिलेक्ट करके एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, हाँ। लेकिन अगर तुमने तीनों को सिलेक्ट करके रिजेक्ट कर दिया तो तुम्हारे को आईटीसी नहीं मिलेगा। तो सर ये बात कहां लिखी हुई है, जो इंस्टीट्यूट ने, ठीक है ना, जो जीएसटी पोर्टल ने, ठीक है ना, हमारे को एडिशनल एफएक्यूज दे रखे हैं, वहां पर इन्होंने लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया तो उन्हें आईटीसी नहीं मिलेगा। तो मेरी सलाह क्या है कि ये सारी चीजें आईएमएस आपको पोर्टल पर दिखाई देगा, लेकिन आप इसे पोर्टल पर एक्सेप्ट रिजेक्ट मत करो। सर पोर्टल पे नहीं करे तो कहां करे, तो चलिए मैं आपको एक सॉफ्टवेयर पर लेकर चलता हूं। उस सॉफ्टवेयर का नाम है एक्सप्रेस जीएसटी। आप expressgst.com डालिएगा और वहां पर अपना फ्री लॉगिन बना लीजिएगा। और फ्री लॉगिन बनाने के बाद, जैसे कि मैंने यहां पर 10-12 कंपनियां बना रखी है, मैं सारे काम यहां ही से करता हूं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो किसी भी कंपनी पर जाओ, किसी भी कंपनी पर क्लिक करो और यहां पर जाने के बाद आप सारे इनवॉइसेस को एक्सेप्ट भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो। जब आपका ये फाइनल हो जाए तब आप इसे पोर्टल पर अपलोड भी कर सकते हो। तो यहां पर आपने देखा कि मैंने एक कंपनी को सिलेक्ट कर लिया। मैं आपको पिछले महीने का करके दिखाता हूं। पोर्टल पर तो आ रहा है अक्टूबर से, लेकिन इस वाले सॉफ्टवेयर में ये वाला फंक्शन पहले से ही है। तो जैसे मैंने यहां पर सेप्टेंबर पे क्लिक करा, मैं सितंबर की 3B में गया और वहां पर जाने के बाद मैं गया किस पर, एलिजिबल आईटीसी पर। एलिजिबल आईटीसी पर जाने के बाद मुझे कहां पर जाना है, गो टू आईटीसी ट्रैकर। इनका ये एक फीचर है, गो टू आईटीसी ट्रैकर। आप यहां पर चले जाओगे तो जितने भी इनवॉइसेस आपके सितंबर के हैं वो आपको यहां पर शो हो जाएंगे। और जैसा कि पोर्टल पर आ रहा है कि आपको इसे एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, ये सारे ऑप्शन यहीं पर आ रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, इस सॉफ्टवेयर का यूज करके आप आईएमएस जो आपका है इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, आप उसे अच्छे से कर सकते हो। यहां पर कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि भाई देखो आपको इसे एक्सेप्ट करना है, आपको इसे रिजेक्ट करना है। ये तीन चार ऑप्शन आपको यहां से दिखाई देंगे, तो आप ये तीन चार ऑप्शन देख सकते हो। और जो भी आपका, अगर आपको पेंडिंग रखना है पेंडिंग कर सकते हो, रिजेक्टेड रखना है रिजेक्टेड कर सकते हो, और आपको अगर एक्सेप्ट रखना है तो एक्सेप्ट रख सकते हो, और अगर आपको उसकी वैल्यू में कुछ चेंज करना है तो आप अपने वो चीजें भी कर सकते हो। यहां से सारा का सारा डेटा डायरेक्ट पोर्टल पर चला जाएगा। तो इस तरीके का सॉफ्टवेयर आप चाहो तो यूज कर सकते हो और ये ट्रायल इसका बिल्कुल फ्री है, समझे मेरी बात को। लेकिन अब अगर मैं आपको पोर्टल पर दिखाऊं, पोर्टल पर आ जाओ, पोर्टल पर भी यही चीज है। आप चाहो तो सारे को सिलेक्ट कर लो एक बार में, और सिलेक्ट करने के बाद
चाहो तो सारों को रिजेक्ट कर दो, ठीक है ना, चाहो तो सारों को एक्सेप्ट कर दो, लेकिन यहां पर रिस्क है। यहां पर क्या है, रिस्क है। तो जब आप पोर्टल पर जाओगे तो पोर्टल पर आपको सारा डेटा दिख रहा है, एक्सेप्ट का, रिजेक्ट का, पेंडिंग का। अभी इसमें क्या ऑप्शन आ रहा है, नो एक्शन, ठीक है। सामने वाले का रहा है कि सामने वाले ने अक्टूबर की अपनी GSTR1 फाइल कर दी है, मतलब कि डेटा डाल दिया है, अभी सबमिट नहीं करी। अक्टूबर की तो नवंबर में ही करेगा ना। और ये डेटा कब डाला है उन्होंने, जैसे उन्होंने इनवॉइस चढ़ाया 5 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को ये डेटा सारा का सारा यहां पर पंच होकर आ गया। तो अब आपको ये सारा का सारा डेटा एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो आप इस वाले सॉफ्टवेयर की मदद से, एक्सप्रेस GST की मदद से, आप ये सारी चीजों को अच्छे से कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपको ये परचेज करना है सॉफ्टवेयर, तो हमारा कूपन कोड भी चल रहा है इसमें। अगर आप हमारे कूपन कोड को यूज करके इस सॉफ्टवेयर को परचेज करते हो, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो GST पोर्टल पर IMS आ चुका है, आप इसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर इसके अभी एडिशनल FAQs आए, उसमें क्या क्या बातें। तो भैया एडिशनल FAQs में ये बोला है कि क्या IMS मैंडेटरी है, आंसर इज नो, ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जो हमने अपनी मैगजीन में भी आपको दिए हैं, जिस केस में ये मैंडेटरी हो सकता है, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। एक इसके बाद ये लिखा हुआ है कि क्या किसी इनवॉइस को, डेबिट नोट को रिजेक्ट किया जा सकता है, आंसर इज यस। आपके पास यहां पर ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना, यहां पर आपके पास ऑप्शन आ रहा है, आप इसे रिजेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने इसे रिजेक्ट कर दिया तो आपको इसका ITC नहीं मिलेगा, ये बात इन्होंने यहां पर क्लियर करी, ठीक है ना। और साथ में यह भी लिखा है कि भाई इस बात को समझ लेना कि अगर, ठीक है ना, आपने इसे रिजेक्ट कर दिया, हम इसका ITC नहीं देंगे, और ये रिकॉर्ड में भी रिजेक्टेड, ठीक है ना, इफ इट इज डेड नॉट परटेन टू द रिसिपिएंट, अगर वो आपका नहीं है रिकॉर्ड, तब आप उसे रिजेक्ट कर दो, अदरवाइज आप इसे रिजेक्ट मत कर, ठीक है ना। अगर आपने इसे रिजेक्ट कर दिया तो आपको इसका ITC नहीं मिलेगा। ये कई सारी FAQs है, इस बार की मैगजीन में भी हम देंगे, हमने अपनी पिछले बार की मैगजीन में भी ये सारी की सारी FAQs लगभग आपको दे दी थी। तो अगर आपने अभी तक मैगजीन को सब्सक्राइब नहीं कराया है, या आपकी मैगजीन एक्सपायर हो रखी है, तो फटाफट से इसे रिन्यू करा लेना। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और सॉफ्टवेयर को यूज करके बताना ये सॉफ्टवेयर आपको कैसा लगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।